Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1988 की फिल्म द लिटिल थीफ के बारे में, जो महान फ्रेंच फिल्म मेकर फ्रांसो त्रुफो की लिखी आखिरी फिल्म है और जिस फिल्म को पूरी करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जनीन एक 15 साल की लड़की है जो आलिशान जिंदगी पाने के सपने देखती है और इस वजह से उसे स्कूल में और स्कूल के बाहर भी चोरी करने की आदत हो गई है। पर एक दिन एक महंगी दुकान से कपड़े चुराते हुए उसे देख लिया जाता है। वो अपने मामा मामी के साथ रहती है जो उसकी इस आदत से अनजान है, पर जब उस दुकानदार ने आकर उन्हें ये बात बताई तो जनीन के कमरे की तलाशी ली गई और सच सबके सामने आ गया। उस आदमी ने पुलिस को तो नहीं बुलाया, पर जनीन को अब भी अपनी आदत गलत नहीं लग रही थी। छोटी उम्र में ही जनीन को उसकी माँ ने छोड़ दिया था और इटली में अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई थी, जिसके बाद उसके मामा मामी ने ही उसे पाला है। पर इस बात के लिए जनीन की मामी उसे बुरा भला कहती है। जनीन फिर भी अपनी आदत छोड़ नहीं पाई और चर्च में रखे पैसों को चुराने की कोशिश करने लगी, पर देर रात जब वो पैसे चुराने गई तो वो पकड़ी गई। चर्च में काम कर रहे आदमी ने पुलिस को ये बात बता दी, पर वहाँ मौजूद फादर समझ गए कि जनीन एक बुरी लड़की नहीं है। उन्होंने बिना कोई केस फाइल किए जनीन को छोड़ दिया, पर वो रात जनीन के लिए शर्मिंदगी भरी रात थी। और उस रात के बाद उसने उस गांव को छोड़ने का फैसला किया और अपनी पढ़ाई छोड़कर वो एक रईस खानदान के घर नौकरानी का काम करने लगी। उसे ये काम ठीक से आता तो नहीं था, पर उस घर के मालिक बहुत अच्छे थे। दिन भर काम करने के बाद वो शाम को एक फिल्म देखने गई, जहां वो थक कर मिशेल नाम के एक आदमी के कंधे पर सर रखकर सो गई। इस सब के बाद उन दोनों की दोस्ती हो गई और एक साथ बातें करते हुए मिशेल ने बताया कि उसकी पत्नी और बेटी, जो जनीन की ही उम्र की है, फिल्में नहीं देखते, इसलिए उसे अकेले फिल्में देखनी पड़ती हैं और अपने अकेलेपन को फिल्में देखकर दूर करना पड़ता है। वो जनीन के बारे में जानना चाहता था, पर जनीन उसे अपने नौकरानी होने का सच नहीं बता पाई और उसने कहा कि वो एक ब्यूटिशियन बनने की तैयारी कर रही है। पहली बार किसी बड़े उम्र के इंसान ने जनीन को बुरा भला नहीं कहा था और उससे प्यार से बातें कर रहा था, इसलिए जनीन ने मिशेल का शुक्रिया अदा किया। जब मिशेल उसे घर छोड़ने आया तो जनीन ने उससे कह दिया कि वो उसे पसंद करती है, पर मिशेल जानता था कि वो सिर्फ 16 साल की है और उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। मगर उन्होंने फिर से मिलने का फैसला किया क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है और वो दोनों ही अकेलेपन से परेशान है। कुछ दिनों बाद जनीन मिशेल से मिलने उस थिएटर में गई जहां वो म्यूजिक सिखाता है, और उस दिन जनीन अपने आप को मिशेल से दूर नहीं रख पाई। पर जब मिशेल ने उसे समझाया कि उनका अफेयर रखना ठीक नहीं होगा तो जनीन इस बात से नाराज हो गई। पर कुछ दिनों बाद उन दोनों का अफेयर शुरू हो ही गया और वो दोनों शहर से दूर एक होटल में मिलने लगे। एक दिन उसने मिशेल को अपनी नौकरानी होने का सच बताया, पर इस बात से मिशेल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने इस अफेयर के साथ साथ जनीन को पढ़ने लिखने में मदद की, उसे पढ़ने लिखने की किताबें देनी शुरू की और उसे टाइपराइटर सीखने के लिए कहा, जो सीखने के बाद वो एक सेक्रेटरी का काम कर सकती है, जो उसकी नौकरानी के काम से बेहतर होगा। एक दिन टाइपराइटिंग क्लास के दौरान कुछ मजदूर काम करने आए, जिसकी वजह से क्लास कैंसिल हो गई। पर जब जनीन अपनी किताबें लेने ऊपर गई तो उसे पता चला कि एक चोर मजदूर बनकर आया है, पर उस लड़के की चोरी के बारे में जनीन ने अपनी टीचर को नहीं बताया। वो लड़का राहुल है, जो जनीन का शुक्रिया अदा करना चाहता था और जनीन के साथ रहना चाहता था। उसने बताया कि वो एक नई बाइक खरीदना चाहता है क्योंकि उसे रेस में भाग लेना है और रेस जीतकर वो एक आलिशान जिंदगी जी सकता है। जब जनीन ने उसे बताया कि वो एक नौकरानी का काम कर रही है और सेक्रेटरी बनने की तैयारी कर रही है, तो वो कहने लगा कि उसके लिए एक नौकरानी का काम करना ही बेहतर होगा, और उसे वो अपनी बातों से बहलाने लगा। जनीन की मालकिन सेवरिन प्रेग्नेंट थी, पर एक दिन मिसकैरेज की वजह से उसने अपने बच्चे को खो दिया और तब जनीन को समझ आया कि एक माँ बनना कितना मुश्किल होता है। जनीन को राहुल से प्यार होने लगा था, पर साथ ही साथ उसका मिशेल के साथ भी अफेयर चलता रहा, और एक दिन मिशेल को राहुल के बारे में पता चल गया और वो इस बात से खुश नहीं था, पर जानता था कि जनीन अपने फैसले खुद ले सकती है और इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद जनीन से मिलने उसके मामा आए। जनीन अब भी अपनी माँ की चिट्ठी का इंतजार कर रही थी, पर इतने सालों में उनकी एक भी चिट्ठी नहीं आई। उसे उस दिन समझ आया कि उसके मामा को पैसों की कमी है और वो तकलीफ में है, पर जब उसने पैसे देने की बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पर जब जनीन ने उनके पैसे देखे तो उसे फिर से चोरी करने का मन हुआ और उसने मिशेल के स्कूल से एक इंस्ट्रूमेंट चुरा लिया, पर उस इंस्ट्रूमेंट की चोरी का सच मिशेल को पता चल गया।
वो जनीन से ज्यादा खुद से नाराज था क्योंकि वो जनीन को सही रास्ते पर नहीं ला पाया और इस गिल्ट की वजह से उसने जनीन को छोड़ने का फैसला किया। जनीन अब राहुल की बातों में आ चुकी थी और उसके साथ मिलकर चोरी करने लगी थी, पर एक अच्छी बाइक खरीदने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी जो उन्हें सेवरिन के घर से ही मिल सकते हैं। और राहुल के कहने पर एक रात डिनर पार्टी के बीच अपनी मालकिन और मेहमानों के सामान और पैसे चुरा कर जनीन वहां से भाग गई। राहुल और जनीन अब दो फरार चोर थे जो शहर से दूर समंदर किनारे रहने लगे। उनके पास रहने को सिर्फ दो टेंट्स थे मगर जनीन उसके साथ रहकर खुश थी। और एक सुबह उसे एक ग्रेनेड मिला जो वॉर के दौरान पीछे छूट गया था। और उस ग्रेनेड को फेंकने पर वहां मौजूद औरत उन पर चिल्लाने लगी और उनके बारे में पुलिस को बता दिया गया, जो अगले दिन उन्हें पकड़ने वहां आ पहुंचे। राहुल ने जब देखा कि पुलिस ने जनीन को पकड़ लिया है तो मौका देखते ही वो जनीन को छोड़ वहां से भाग निकला और जनीन को सुधारने के लिए जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में डाला गया। जनीन को कैमरा में दिलचस्पी थी पर वहां मौजूद लड़कियां उसे कैमरा को छूने भी नहीं देती और जनीन उस जगह आकर फिर से अकेली हो गई। पर इस बार जब उसे परेशान किया गया तो उसने पलट कर लड़ने का फैसला किया और लड़ाई करने की वजह से उसे आइसोलेशन में भेज दिया गया, जिसके बाद कई दिनों तक वो उसी कमरे में अकेली रही। वहाँ से निकलने पर उसकी उसी लड़की से दोस्ती हो गई जो उसे परेशान करती थी और जिसके पास वो कैमरा है जो जनीन को पसंद है, और उन दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर अपना अकेलापन दूर किया। उस लड़की का कैमरा उसे उसके बॉयफ्रेंड रे ने दिया था और जनीन अब कैमरा यूज करना सीखने लगी थी। उनकी बढ़ती दोस्ती देखकर उस लड़की को तकलीफ होने लगी, जिसकी जगह अब जनीन ने ले ली थी, और इसी तकलीफ की वजह से उस लड़की ने अपनी जान दे दी। एक दिन चर्च में जनीन को उसके नाम की फाइल मिली जिसमें सेवरिन की दी गई स्टेटमेंट भी थी, और उस स्टेटमेंट में सेवरिन ने लिखा था कि वो जनीन को अपना दोस्त मानने लगी थी और उसके करीब थी, पर उसकी चोरी की वजह से उसे बहुत दुख पहुंचा है। जनीन और उसकी दोस्त ने जल्द ही वहां से भागने का प्लान बनाया और एक दिन उस लड़की के बॉयफ्रेंड रे की मदद से वो लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। रे खुद भी एक चोर है जिसने वॉर के दौरान बहुत कुछ चुराया था और उन्हीं चोरी की चीजों में से एक वो कैमरा था। वहां से निकलने पर जनीन ने अपनी दोस्त को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और वो राहुल को ढूंढने जाएगी, और उसे थोड़े पैसे देकर उन दोनों ने जनीन को वहां से दूर भेज दिया। उस लड़की ने अपना कैमरा जनीन को दे दिया क्योंकि वो जानती थी उसे वो कैमरा बहुत पसंद है, और उन दोनों ने फिर से मिलने का वादा किया। वहां से निकलकर जनीन अपने मामा के घर गई जहां उसे बताया गया कि उसकी माँ की चिट्ठी आई थी और वो जानना चाहती थी कि जनीन कैसी है। जनीन अब एक फरार मुजरिम है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए उसकी मामी ने ना तो उसे रहने की जगह दी और ना ही उसे खाना दिया। जनीन को समझ आया कि वो अपने बच्चे को पाल नहीं सकती और ना ही उसे राहुल के ठिकाने की खबर थी, इसीलिए मजबूरी में अबॉर्शन करवाने के लिए जनीन को अपना कैमरा बेचना पड़ा जिसे संभाल कर रखने का उसने वादा किया था, और वो छुप कर उसी गाँव में रहने लगी। पर पुलिस से बचकर छिपने के लिए जब वो थिएटर में गई तो उसने एक न्यूज रील देखी जिसमें उसे वो सिपाही दिखे जिन्हें इंडो चाइना वॉर में भेजा जा रहा है, और उन सिपाहियों में से एक था राहुल। राहुल के बारे में जानकर उसने अपने बच्चे को रखने का फैसला किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जो उसकी माँ के साथ हुआ था वही राहुल ने उसके साथ किया है, पर वो अपने बच्चे के साथ वो नहीं करना चाहती थी जो उसकी माँ ने उसके साथ किया है, और वो अपने बच्चे को अपनाना चाहती है। उस अबॉर्शनिस्ट की दुकान से अपना कीमती कैमरा चुरा कर वो वहां से दूर चली गई, और अंत में कुछ महीनों बाद प्रेगनेंसी टेस्ट की मदद से जनीन को पता चला कि उसका बच्चा हेल्दी है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो फ्रेंच भाषा में ये फिल्म YouTube और Movie.com पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।